हेलो, नमस्ते। और बताइए क्या हो रहा है? देखिए, देखिए आप लोग से फिर बात करने के लिए हम आ गए हैं और हमारा काम भी ख़त्म हो गया है। खाना पीना हमने खा लिया है और हाथ में मेहंदी रखाना है और दीदी का इंतज़ार कर रहे हैं। बगल में रहती हैं, वो बहुत अच्छी मेहंदी रखती हैं जिससे हमने रखा है। कितनी अच्छी लग रही है, देखिए। अभी कम रखी है क्योंकि मैं जल्द हटा दी थी, कल तक खूब अच्छी रह जाएगी। और बताइए, क्या करें? हमने सोचा आप लोग से बाकी बात कर ली जाए क्योंकि बहुत मिस कर रहे थे आप लोग को। यही तो टाइम मिलता है आप लोग से बात करने का, और सुबह हम इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं रहता है। आप लोग जॉब करने वाले जॉब करने जाते हैं, घर का काम करने वाली दीदी लोग हमारी हैं वो घर का काम करती हैं, और एक हाउस वाइफ के लिए बहुत काम होता है, बच्चों को देखना, अपने हस्बैंड को देखना, घर परिवार सब तक आती हैं, देख रहे हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बस यही चाहते हैं कि आप लोगों ने इतना हम के साथ दिया है, हम लोग का यहाँ तक साथ दिया है, हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं सिर्फ आप लोग की कोशिश की वजह से और आप लोग की हेल्प की वजह से ना। बस यही चाहते हैं कि और भी, जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, इस समय हमारे वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कोई हमारे वीडियो देख नहीं रहा है। खुद बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर क्या हो गया है, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं किसी के। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग की हेल्प करें अगर हमने कोई गलती करी हो। इसीलिए भाई आप लोग को वीडियो अच्छे ना लग रहे हों, कुछ हम कमी कर देते हैं, आप बेसिक हम लोग को बता सकते हैं, कोई त्रुटि हो तो उसमें बताइए, हम उन्हें सुधार करेंगे। पर प्लीज़ हम लोग की हेल्प करिए, आप लोग की हेल्प बहुत ज़रूरी है। बहुत कोशिश करते हैं, फिर ढूंढते भी हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है हमारे वीडियो में जो बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। हेलो, नमस्ते, बताइए आप कैसे हो? आप क्या कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं, प्लीज़ फिर से बताइए। और जो लोग आते हैं भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। राम राम जी, धर्मेंद्र जी, नमस्ते। लाइक कर दिया, थैंक यू लाइक करने के लिए।
हम ठीक हैं। आप बताइए, आप कैसे हो? आपने खाना आना खा लिया? यही पहला होता है, उनसे पूछिए, हम आपसे पूछते हैं। यही हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपना समझ कर ही पूछते हैं, और हमें भी खुशी होती है कि आप लोग हमारा बहुत ध्यान देते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं। और प्लीज़ शेयर कर दीजिए करिए, हाँ हमारा खाना पीना हो गया है। आप बताइए, आपने खा लिया? खा लिए भाभी जी? हम चलिए, अच्छी बात है, खाना खाना चाहिए टाइम पर ही, क्योंकि 10:15 हो रहा है टाइम, और टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर भूख नहीं लगती। और सब बताइए, और सब ठीक है? हमारे परिवार में भी सभी लोग ठीक हैं, आप भी ठीक रहिए, आप फैमिली में सभी लोग ठीक हैं। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमेशा हमारी लाइफ में आते हैं, उसके लिए थैंक यू। बस यही कोशिश करिए कि कितनी जल्दी हो सके भाभी आगे और बढ़ती रहें। पता नहीं इस समय क्या हो गया है, बिल्कुल भी हमारे वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे हैं, और उसी की बस टेंशन रहती है, उसी की चिंता रहती है कि आखिर ऐसा हम ऐसे वीडियो में मतलब क्या नहीं बनाते हैं जो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। बहुत कोशिश करते हैं कि आप लोग को खूब अच्छे कंटेंट दें, और भाई जो लोग आते हो लाइक कर दिया करो। नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? देखिए, कल तो तबीयत पानी ठीक है जी, ठीक ही रहनी चाहिए, क्योंकि मौसम इस समय बहुत बिगड़ रहा है। देखिए, आज धूप निकल आई थी और एकदम मौसम चेंज हो जाता है, बरसात होने लगती है, इसलिए तबीयत खराब होती है। मैसेज के समझ आती समझ में पर आप मैसेज में क्या लिख रहे हैं हमें कम समझ में आ रहा है, आप क्लियर लिखे। मैसेज के समझ आती मैसेज में पढ़ रही, पढ़ पा रहे हैं आप, समझा दीजिए। टेंशन मत लो, जो नसीब में होगा वही होगा जी, कोशिश जारी रखिए आप जी। थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ, जो नसीब में हो वही मिलेगा, नसीब से ज़्यादा मिल किसी को नहीं मिला है, ना मिल सकता है, बस कोशिश कर रहे हैं, और जब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक हमें सफलता ना मिल जाए, क्योंकि हम भी मतलब समझते हैं कि जब तक मेहनत तब तक करो जब तक सफलता ना मिल जाए, पीछे मत हटो। बस कभी कभी मन उदास हो जाता है, चलिए आपके लाइट जला दीजिए। आ जा, वो इधर बातें यार,
पता नहीं हमारा नहीं भरोसा कर लो ना वो करो ना आ रहे हैं ऊपर से ना तो क्या थोड़ी इन्वर्ट कर और नाम बता लाइक करिए और देखिए हमारी गगनवारी दीदी है वो मेहंदी लगाने आ गई हमने आपको बताया था वो बहुत अच्छी मेहंदी रखती है ओनली वन एक बच्चा है हमारे पास वो छोटी सी बेटी है हमारी। हेलो पंकज जी बताइए कैसे हो आप। तो लैटिंग में ही रहना इरादा है क्या पानी डाल के आओगे लगाओ हाँ जरूर आइए। आपने किसके लिए व्रत रखा है जरूर रखवा लीजिएगा मेहंदी बस अपने होने वाली वाइफ का नाम बता दे। अच्छा क्या है सामने ही बैठे हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं इसलिए किससे पूछ रहे आपसे पूछ रहे हैं धर्मेंद्र जी क्या आपकी वाइफ का क्या नाम है। आप कह रहे मेहंदी लगवानी है तो मेहंदी में अपनी वाइफ का नाम नहीं लिखवाएंगे। मेहंदी तो हाथों में तभी रंग लाती जब अपने हस्बैंड का नाम या अपनी वाइफ का नाम होना चाहिए। हाँ एक हाथ में रख गई है ये देखिए रेड कम हुई है सुबह तक शायद हो जाए देखा देखा बहुत अच्छा नाम है बस 10 से 15 मिनट और भाई जो लोग आते हो लाइक कर दिया करो लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो हम तो विदेश में अच्छा विदेश में है तो विदेश वो अपनी फोटो से ही काम चला देंगी विदेश वाले क्या व्रत नहीं रखते हैं।
5 किलो लाइक ना करिए, सिर्फ 1 किलो लाइक करो। पंकज जी मजाक बहुत करते हैं। आपकी वाइफ ने नहीं मेहंदी रखी है आपके लिए, भी तो करवा चौथ का व्रत रखल रखेंगी ना, क्या आपने उनके लिए रखा है? बहन जी आपने कर दिया था उसके लिए थैंक यू। और बताओ, और सब ठीक है? बस कल की तैयारी हो रही है। कल का दिन समझो सभी और सुहागिनी औरतों के लिए इंतजार रहता है कि करवा कब आए, कब वो अपने पति के लिए मेहंदी रखे अपने हाथों में और उनके लिए सजे। कल तो बहुत सी औरतें ब्यूटी पार्लर भी जाएंगी अपने आदमी के पैसे खर्चा करने। ज़्यादा लोग के रखने वाले समझ में नहीं आता हूँ कि ज़्यादा ये बुलाने वाले तो तय तम कहीं कहाँ हमारे रख दो मैं भी ज़रूर आ जाइए हम रखा देंगे, पर आज नहीं रखेंगे, अब वो सोने जा रही हैं, वो थक गई हैं आज मेहंदी रखते रखते, कल आप रखा लीजिएगा। अच्छा दोनों हाथ में रखाएंगी तब तो, हाँ मेहंदों में हाथों में मेहंदी रखा के ना फिर तो आप मड़वा तरह बैठोगे जाके ना। चलिए हम मजाक कर रहे हैं, मेहंदी आपको रखानी हो तो जरूर रखा लीजिएगा, हमारी दीदी मना नहीं करती हैं, सभी को रख देती हैं। देखिए टाइम कितना हो रहा है और टाइम निकाल कर मेहंदी रखने आई है ताकि किसी के हाथ सफ़ेद ना दिखाई दे। और बताइए पंकज जी आपकी वाइफ आ गई मायके से? हाँ ये देखिए बोले धर्मेंद्र जी को बड़ी चिड़न मची कि हम मतलब बैठे हुए। लाल लाल चेहरा दिखाई दो और हमारे लग गई है हेलो।
और बताइए पंकज जी, हमने आपसे पूछा था आपकी वाईफाई नहीं। हाँ आपने सही कहा। और बताइए आपका खाना पीना हो गया? आपने बताया नहीं आज क्या खा के आए, रोज तो बता देते हैं। अभी दिखाएंगे, रख ले पहले, देखो लग रही है अच्छी। फिर बाद में कहिएगा कि मैंने, हमारी दीदी ने कैसी रखी है, और कमेंट में भाई जरूर बताइएगा। और मैंने रखने की वजह से और दिखाने की वजह से ना भाई, जो लोग नए लोग हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और जो लोग आते हैं नाम अपना बता दीजिए। थैंक यू, आपको मेहंदी हमारी अच्छी लगी। थोड़ी रखने वाले के लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। हमारी दीदी हैं बगल में रहती हैं, वो बहुत अच्छी मेहंदी रखती हैं। हाँ धर्मेंद्र जी, आपने मेहंदी का हाथ तो बहुत अच्छा बनाया है। नेटवर्क की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप लोग हमारी लाइफ में जुड़ नहीं पा रहे हैं। आज हमने दाल बनाई थी, मूली की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, चावल बनाए थे। आप बताइए धर्मेंद्र जी, आपने क्या क्या खाया था? हमने तो सब गिना दिया। आज इसलिए ज़्यादा खा लिया कि कभी कभी व्रत नहीं ना हमें। चलिए आ जाइए खाने। आज कद्दू तो इसका मतलब धर्मेंद्र जी ने आज कुछ बनाया नहीं है आपने खाना। खाना बनाते हैं या होटल से खाते हैं? पंकज जी को कुछ नहीं मिला कद्दू खाने के अलावा।
हमें भाई कद्दू अच्छा नहीं लगता है, जिसको अच्छा लगे वो खाए। हमें लगता है पंकज जी को कुछ ज्यादा अच्छा लगता है कद्दू खाना। नहीं, कद्दू बहुत अच्छा बनता है अगर उसे बनाया जाए अच्छे से, पर हम नहीं खाते, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें पसंद नहीं है। जब हाथ ज्यादा दर्द हो तो कांप फैला रहा है। नहीं आज नहीं, मुझे कार आ जब मैं तुम्हारा करेला जल गया। तुझे इधर आएगा? नहीं, शादी में जा रही है। और बताइए पंकज जी, आप तो शांत हो गए, हमने कद्दू की बात क्या करी, आप तो बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिए, बुरा मत मानिए। आज हम कद्दू भात खाया है। चलिए अच्छी बात है, चावल दाल और करेला। नरेंद्र जी देखिए, चावल दाल और करेला खाए हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम खाने आ रहे हैं। हमें दाल चावल और मूली बनाई है। थैंक यू, आपने हमें पूछ लिया कि खाना खा लीजिए, आके आप खा लीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, खाना टाइम पर ही खाना चाहिए, हम तो खा कर बैठे हैं। पहले भी हम जुड़े थे, पर हम काम कर रहे थे और आप लोग भी नहीं आए थे, तो मुझे सोचा लगता आप लोग बिजी हैं, इसीलिए हम फिर से लाइव आए। हम लोग चल आइए, थोड़ा जल्दी कर लें, क्योंकि आप लोग कई लोग कहते हैं कि थोड़ा भाभी जी जल्दी आया करो, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है और सभी लोग को नींद आने लगती है। हाँ, फ्लाइट भेज दीजिए, जल्दी पहुँच जाएंगे आपके पास खाने के लिए। बस ट्रेन ज़्यादा ज़्यादा धीरे धीरे चलती है, डायरेक्ट उड़कर वहीं आ जाएंगे। चलिए आप खा लीजिए, हम खा चुके हैं, आपने पूछा उसके लिए थैंक यू।
बस थोड़ी सी और बची है, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी मेहंदी कैसी लगी है। क्या बात है धर्मेंद्र जी, आपसे हमने कहा था कि आप हमारे वीडियो भी देखा करिए और लाइक करिए उसमें, और सब्सक्राइब करके ना काफ़ी लोग के पास शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। आपने कहा था करेंगे, पर इस समय क्या हुआ आप कमेंट भी नहीं करते हैं। और जो लोग आते हैं भाई नाम बता दिया करो, नाम बताने से ना नहीं पता चलेगा कि हमारी लाइफ में कौन कौन आया है। हम मेहंदी रखा रहे हैं, आपको रखानी है तो बताइए। हाँ भाई जी लोग आते लाइक कर दिया करो। खोपड़ी में मेहंदी रखी थोड़ी जाती है, लगाई जाती है। उसमें तो डिजाइन और नहीं बनी। कल आप लगा लीजिएगा खोपड़ी में, हम भी कल रखेंगे मेहंदी खोपड़ी। थैंक यू धर्मेंद्र जी, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और भाई शेयर कर दिया करिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं हमारे चैनल में। आज तो मौसम अच्छा है, फिर आप लोग जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या आपकी तरफ नेटवर्क कमज़ोर आ रहे हैं? हम समझ गए आपने फ़ोन दिखा दिया हमें कि आपने सब्सक्राइबर कर लिया है।
बस यही कह रहे हैं कि शेयर कर दिया करिए तो और भी लोग जुड़ जाएं। अब आप लोग से ही कह सकते हैं। हाँ बस हो गई, फिर आपको दिखा रहे हैं। आपसे ज़्यादा इन्हें जल्दी है जो दीदी रखने आई है, क्योंकि भाई उस काफ़ी देर से रख रही हैं, थक गई हैं रखते रखते, उनके हाथ दर्द होने लगे हैं। नमस्कार भाभी जी, आप कैसे हैं? हम ठीक है डॉक्टर किशोर जी। ये देखिए डॉक्टर किशोर जी बिना कहीं लाइक कर देते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है। और बताइए आप कैसे हो? हमारी आँखें दर्द होने लगी है, इंतजार करते हैं। अरे आँखें मत दर्द कर आइए, चश्मा लगा लीजिए थोड़ी देर के खातिर, बस 5 मिनट और सही। देखो भाई दीदी रगड़ने लगी है। हाँ हमारा खाना हो गया राज किशोर जी, आप बताइए आपने आज क्या खाया? का मौसम ख़राब है तभी आप लोग तो हमसे जुड़ नहीं पा रहे, बार बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छी बात है, रोटी सब्जी सभी लोग खाते हैं, पनीर पूरी कोई नहीं खाता। ये मुझे वीडियो में कुछ कौन और बना दे सकते हैं। हमने दाल चावल रोटी अमूली की सब्जी बनाई थी राज किशोर जी। हाँ अब बना कि इधर कर दी, इसलिए मैं बनाई ना वैसे बनाती। आज हम मेहंदी रखा रहे हैं कल के लिए, क्योंकि कल करवा चौथ है।
हम लोग के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। साल में बस इसी का इंतजार रहता है कि कब करवा चौथ आए, कब हम लोग अपने आदमी के लिए, अपने मतलब हस्बैंड के लिए व्रत रखें। आप लोग भी इंतजार रहता होगा कि हमारी बीवियाँ हमारे लिए क्या अलग व्रत रखें। ओके, लाइक कर दिया आपने, उसके लिए थैंक यू। और बताइए, इस समय आप हमारे वीडियो नहीं देख रहे हैं क्या, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं? हो गया ना, ठीक है, अच्छी लग रही है, बस हो गया ना, ठीक है, अच्छा अच्छी लग रही है। देखिए हमारी मेहंदी रख गई है, मेरा तो कोई बिल्कुल नहीं है। आज नहीं है तो कल हो जाएगी आप लोग के पास ही। ये देखिए हमारी मेहंदी रख गई है, अच्छी लग रही है। ये देखिए कल आप लाइव आएंगे, देखिए कल लाइव आ कोशिश करेंगे, आएंगे। पूजा अगर हो गई टाइम पर तो ज़रूर आएंगे, आप लोग से बात करेंगे, क्योंकि आप लोग से बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है। और बताइए, बस आप लोग से एक ही शिकायत है कि आप लोग हमारे वीडियो देखा करिए, उनके लाइक करिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट भी किया करिए, शेयर कर दीजिएगा। MK जी लाइक कर दिया करो, और बताइए कैसे हो आप। ये देखिए हमारी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है, अब बताइए आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। थैंक यू राजकिशोर जी, आप बताया कि हमारी मेहंदी आपको अच्छी लगी। के पापा के नाम की मेहंदी है,
और बताइए क्या हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि वीडियो वीडियो बनाना बंद कर दें, क्योंकि पता नहीं क्यों अमन बहुत उदास होने लगा है। आप लोग बिल्कुल नहीं हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत खुश हो जाते थे जब आप लोग हम लोग का साथ देते थे। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को भी हम लोग को यही समझे परिवार के तरीके चाहने वाले लोग आ गए हैं, तो हम लोग को यहाँ तक लेके आए हैं और भी आगे ले जाएंगे। यही सोचकर अच्छे से वीडियो बनाते हैं और लगता है आप लोग को पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए आप लोग हम लोग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, क्या करूं। हम भी कुछ करना चाहते थे। भाभी जी आपको नाक में सोने में दिक्कत होगा? नहीं होगा, हम हमेशा मेहंदी रखाते हैं रात में ही, क्योंकि मैं हमारी मेहंदी ज़्यादातर नाइट में ही रचती है। ये देखिए दिन में रखाई है, कम रची है। ये देखिएगा, ये कल समझो मैरून कलर की हो जाएगी, ये रेड कलर की आपको लग रही है। हमें थोड़ी सी मेहंदी गहरी बहुत अच्छी लगती है। और भाई जो लोग आते हैं लाइक कर दिया करो, लाइक करने में ना कंजूसी किया करिए। देखिए आपने पापा का नाम लिख दिया ताकि मेरी भाई और भी अच्छी लगे। रख गई मेहंदी, हाँ रख गई है। पंकज जी देखिए, अब बताइए आपको मेहंदी हमारी कैसी लगी। ये देखिए ये है, थैंक यू राजकिशोर जी। आप लोग की यही बातों से ही हमें हिम्मत मिल जाती है। बस आपकी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू अब्दुल जी, और बताइए आप कैसे हो। थैंक यू राजकिशोर जी, बस इसी तरीके आप अपना सपोर्ट करते रहिए अपनी भाभी जी को, ताकि भाभी जी और आगे बढ़ सकें। ये बस आप लोग की वजह से ही हो सकता है, प्लीज़ कोशिश करेंगे हम।
आपको उनसे बात कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाओगे कि भाभी ही तो अपनी मेहंदी में ही मस्त है। क्या करें, बहुत बहुत मेहनत करते हैं, हमें अपने से लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, पता नहीं आप लोग को लगता भी है कि नहीं लगता है कि हम मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं। बस इसी तरीके अपना सपोर्ट बनाए रखिए हम पर, और पूरा पूरा सपोर्ट हम पर करिए, अपना साथ दीजिए और हमारा साथ ऐसे ही निभाते रहिए। बस हम जैसे आप साथ दे रहे हैं देते रहेंगे, इसी तरह हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। बस यही कोशिश है कि हम बहुत मेहनत करें। कोई बात नहीं, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, और भाई अपना अपना काम भी जरूरी होता है। काम के साथ सभी काम करने चाहिए, अब जैसे हम ही हैं, सब काम मतलब घर का करते हैं, और सब काम करने के बावजूद जो समय हमें मिलता है उसमें हम वीडियो बनाते हैं। सिर्फ आप लोग के लिए जो लोग आते भाई लाइक कर दिया करो, थैंक यू राजेश जी, लाइक कर दीजिए। मैं आज रात को आपका वीडियो देखूंगा, चलिए अच्छी बात है। और राजेश जी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियो शेयर कर दीजिए करिए, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं हमारे लाइफ में। आज मौसम ठीक था, आज तो धूप निकल आई थी, हमारे कपड़े भी सूख गए हैं, क्योंकि रोज़ कपड़े धो, कपड़े सूखते नहीं हैं, उन्हें पंखे में डालकर सुखाने पड़ते थे। हमारे हालचाल ठीक है राजेश जी, और आपसे कह रहे हैं कि लाइक कर दिया करिए, इतनी कंजूसी ना दिखाया करिए। हम ठीक हैं, और देखिए हम अपने हाथों में मेहंदी रखा रहे थे,
कल करवा चौथ है और हर सुहागनों के लिए एक मेहंदी भी सब जो एक रस्म हो गई है कि मैं दो हाथों में मेहंदी जरूर रचनी चाहिए अपने हम सफर की। अमित कुमार, हेलो अमित कुमार, लाइक कर दीजिए अमित कुमार जी। और राजेश जी हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ हुई होगी, हम ठीक हैं अमित जी, आप बताइए आप कैसे हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। हाय भाभी, लाइक करे दिए हैं भाभी जी, थैंक यू राजू जी, लाइक कर दीजिए। और बताइए आप कैसे हो। ये देखिए राजू जी, मतलब एक ही बार में कहने पर उन्होंने लाइक कर दिया। और बताइए भाभी जी क्या हाल है। हम ठीक हैं अमित जी, आप बताइए अपने सुना दीजिए कि आप कैसे हो और आपका आपने खाना पीना खा लिया है कि नहीं अभी खाया है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आनंद, थैंक यू आनंद जी। राजेश जी कह रहे हैं लाइक करें, आपका मन हो तो कर दीजिए, ना मन हो तो ना करिए भाई, कोई जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं। हम भी ठीक हैं भाभी जी, खाना पीना हो रहा है भाभी जी हमारा, चलिए खाना पीना खा लीजिए। और बताइए आपकी फैमिली में सभी लोग ठीक हैं। और प्लीज़ हमारे वीडियो देखा करिए और हमारे वीडियो में जो लोग नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया करिए। आप कहाँ से हो। हम यूपी से हैं। ओके थैंक यू राजेश जी, आपने लाइक कर दिया था, चलिए अच्छी बात है। आप मतलब ये बता रहे थे और हमने सोचा दूसरी बात बता रहे हैं आप कि कर दें क्या, हमने हमें ये लगा इसलिए सॉरी। हम लोग सब बढ़िया हैं बाबू जी, चलिए अच्छी बात है, सभी लोग बढ़िया ही रहने चाहिए, क्योंकि इस समय मौसम चेंज हो रहा है, जुकाम खांसी बुखार हो भी रहा है, समझो ज़्यादा कुछ हो रहा है, इसलिए आराम से रहिए, सभी लोग मस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। हाँ कानपुर से हैं हम। ओके अमित जी बताइए, और आपके परिवार में कौन कौन है। हेलो राहुल जी, और बताइए कैसे हो आप, लाइक कर दीजिए।
और बताइए, आपका खाना हो गया? राधे राधे शिवम जी, काफी लेट कर दिया आने में आपके। थैंक यू पंकज जी, आप तो वीडियो देखते हैं, इसीलिए हम इन सब से कह रहे हैं, जो लोग हमारे लाइफ में जुड़े हुए हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग हमारे वीडियो देखा करिए और शेयर कर दिया करिए। जो लोग नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को और अच्छे अच्छे वीडियो हम दे सकें। भाभी जी मेहंदी रखा गया आपका? हाँ, हमारी मेहंदी रख गई है, ये देखिए, और जो रख रही थी वो चली भी गई हैं। हाँ भाभी जी, वो थोड़ा काम कर रहे थे। चलिए, अच्छी बात है, सभी को अपना अपना काम कर लेना चाहिए, सभी काम ज़रूरी होते हैं। खाना हो गया भाभी जी आपका? हाँ, हमारा खाना हो गया है, आज हमने कुछ जल्दी खाना खा लिया था क्योंकि वो आ गए थे हमारे, और उन्होंने उनके साथ आज हमने जल्दी खाना खा लिया, और आप लोग से बात करने के लिए आप लोग को बहुत मिस कर रहे थे, इसीलिए हमने जल्दी ही बर्तन धोए फटाफट और आप लोग के सामने बैठ गए, क्योंकि आप लोग से बात कर कर हमें बहुत अच्छा लगता है। भैया जी चले गए आपके, वो 9:30 बजे लगभग खाना पीना खाकर चले जाते हैं। हमें भी अच्छा लगता है बातें करना। चलिए शिवम जी, आपको हमसे बात करना अच्छा लगता है तो आ जाया करिए। रखने वाले को नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे हम। बिटिया सो गई आपकी भाभी जी? हाँ, हमारी बिटिया सो गई है। ये देखिए, हमारे दोनों हाथ में मेहंदी लग गई है, हमें मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू शिवम जी, और बताइए आपने खाना खा लिया है और क्या क्या खाया आपने? हम पी लेंगे पानी, ये मेरा गिलास है, हाथ है, इससे गिलास पकड़ कर पी लेंगे पानी, आप परेशान मत होइए। और ये भी सूख आई है, देखिए सूख गई है। भैया जी का नाम नहीं लिखा रहा है भाभी जी मेहंदी में, लिखा है लिखा है, क्या लिखा है भैया जी का नाम यहाँ पर इस जगह देखिए लिखा है, ये हाँ, ये दो पानी है। देखा गया, ये देखिए समझ में कम आएगा, ये लिखा हुआ है नाम उनका, ये इधर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको उल्टा दिखाई देगा, ये हमारी तरफ से सीधा दिखाई दे रहा है और आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। हम उनकी उनका नाम लिखकर ही मेहंदी रखाते हैं। हाँ, दिखा, दिख गया भाभी जी, दिख गया शिवम जी, चिंता मत करिए, प्रसाद से आपकी भी वाइफ आपके लिए मेहंदी रखेगी, तब आप अपना नाम उसमें ढूंढिएगा। क्योंकि साल में जो ये त्यौहार आता है इसके लिए औरतें बहुत इंतज़ार करती हैं,
समझो एक यही एक व्रत है जो अपने आदमी को लिए, आदमी के लिए अपनी औरत समझो औरत रखती है, अपने आदमी को ऐसा सोचती है कि मतलब वो हमारे साथ जिंदगी भर और सातों जन्म तक रहे। ओके, गुड नाइट खा लीजिए, गुड नाइट, सो जाइए, टाइम हो गया है आपका, इसीलिए आप जा रहे हैं, बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। पंकज भैया आपका क्या हुआ, आपकी मैडम मेहंदी रखा या मायके? मायके में ही है अभी, तो बताओ क्या करें? कोई बात नहीं, सो जाइए, टाइम हो गया, हम तो मजाक कर रहे थे कि जल्दी आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, तो हम तो जल्दी आते हैं पर आप लोग नहीं जल्दी आते हैं, इसलिए हमें टाइम आने में लग जाता है। हम भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा जल्दी आ जाया करें और आप लोग से बात किया करें, पर आप लोग का भी काम होता है, आप लोग काम अपना टाइम पे करते हो जो ज़रूरी होता है, पर ये भी काम ज़रूरी है, पर वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अच्छी बात है, फोन लेते हैं मोबाइल। हम कर दिया भाई, ड्यूटी पर हूँ, 10 मिनट में बता रहा हूँ, मशीन चल रही है। अच्छा पंकज भैया जी, तो देखिए काम कर रहे हैं पंकज भैया जी। भाभी जी आप भाभी जी आप महाराजपुर में रहती हैं? हम बहुत कम रहते हैं, 1-2 दिन के खातिर जाते हैं, बाकी चले आते हैं, हमें अपने हस्बैंड के साथ ही रहते हैं गांव में, और क्या कहते हैं अपनी मम्मी के पास कम रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है वहाँ की। नहीं वो कोई बात नहीं है, आपने क्या कहा था, हम कहाँ के हैं? यशोदा नगर के। हाँ जी, अच्छा यशोदा नगर उधर ही तो पड़ता है जिधर वो वैष्णो माता है, किदवई नगर, वो क्या कहते दामोदर नगर के आगे, वो नाम नहीं आ रहा, हाँ दामोदर नगर ही तो पड़ता है, उसके आगे यशोदा नगर है, हमारा मायका है ना, इसलिए हम बता रहे हैं, ज़्यादा जानकारी भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं, तो
और फिर हम नहीं बता सकते, पर सुना सुना नाम लगता है। कहाँ पर हमारा मायका है? गोवी नगर। हाँ जी, गोभी नगर में है। और राजेश जी, आपके हाथों में मेहंदी हम लगा हम नहीं लगा पाते हैं। ये देखिए, हमने खुद दूसरों से लगवाई है। हमारी बगल में दीदी रहती है, वो लगाई है, पड़ोसन है, इसलिए वो बेचारी जो टाइम निकाल कर, उन्हें बहुत तेज़ नींद लगी थी, इसलिए जो उन्हें टाइम मिला वो आई और हमारे लगा कर चली गई हैं। हम लगा दें क्या राजेश भैया आपके मेहंदी? ये देखिए, शिवम जी को मेहंदी लगाना आती है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि लाइए राजेश जी, हम लगा देते हैं। चलिए, सभी काम आने चाहिए, हम लगा लेते हैं, पर ज़्यादा अच्छी नहीं लगा पाते हैं, इसी बहाने मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। अच्छा, ये बात है, शिवम जी कह रहे हैं सही है, जो काम नहीं आता है उसे बार बार करो तो एक बार ख़राब होगी, दो बार ख़राब होगी, तीसरे बार वो ज़रूर अच्छी हो जाएगी, इसलिए हर काम को सीखना चाहिए। हम लगाने की कोशिश करते हैं पर बनती नहीं है जितनी अच्छी वो दीदी लग जाती हैं। और हम रखते हैं क्या बात बनाओगी? क्या बात बनाएंगे? मेहंदी में क्या बनाएंगे? दुल्हा दुल्हन बना देंगे आप, वो हम बना लेते हैं। पंकज भैया की मशीन कब तक चली? अब पंकज भैया जाने कि उनकी मशीन कब तक चलती है। राजेश भैया जाने कि उनकी शादी हुई है या नहीं। क्यों शिवम जी, आपको मेहंदी लगाना नहीं अच्छा लगता है?
चलिए नहीं लगाई है पर लेकिन लगानी तो पड़ेगी। आपको अपनी शादी में तो मेहंदी लगानी पड़ेगी, तो भी अपनी दुल्हन के नाम की। तो राजेश भैया की तो बात मुझे समझ में आ रही है, हम भी नहीं समझ पाए कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब किस बात के लिए कह रहे हैं, तो ये बात है। बारिश नहीं हुई है कल और बारिश गया है तो ठीक है, मेरा अभी तक शादी नहीं हुई है। राजेश राजेश भैया की अभी देखिए शादी नहीं हुई है राजेश जी की, और उनकी शिवम जी की भी शादी नहीं हुई है, और जिनकी भाई शादी नहीं हुई है हम दुआ करेंगे जल्दी से जल्द इन लोग को इनका इनकी हम सफ़र मिल जाए, इनके इनको बीवी मिल जाए। एक बार मेहंदी लगानी पड़ी है बात के लिए, ये बात के लिए आई जी ओ राजेश भैया कुंवारे हैं अभी। हाँ जैसे आप कुमार हैं वैसे वे भी कुमार हैं। जल्द से जल्द आप लोग को भैया हम सफर मिल जाए, राजेश जी को मिल जाए, शुभम जी को मिल जाए। भाभी जी अभी अप्रैल में सिस्टर की शादी किया है। अच्छा अप्रैल में शादी बहन की है, अच्छी बात है। चलिए कहाँ की है आपने अपनी सिस्टर की शादी? हमारी तो हो गई है, हम कौन से जाएंगे। हमारी तो हो गई है, हम कौन सा जग लूट लिया है भाई। ये देखिए एक उदास आदमी बोल, अच्छा पंकज भैया ये लगता बहुत दुखी है, अपनी जिंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, इसलिए पूरा गुस्सा शादी पर ही उतार देते हैं कि हमने शादी कर ली है और हमें बीवी मिल गई है, तो इससे हमने शादी करके कौन सा जग लूट लिया है, इसलिए कह रहे हैं। चलिए नाराज़ मत होइए और परेशान भी ना होइए, आज नहीं तो कल आपको भी जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। नहीं जी अब तो लड्डू खा चुका
हो। अब तो लड्डू खा चुके हो आप पंकज भैया। हाँ भाई, बस जिनकी शादी नहीं हुई है उनको लड्डू खाना जरूरी हो रह गया है। देखिए, हमारे फोन में 10% डाटा ही बचा था। अगर बंद हो जाए तो नाराज मत होइए। अगर टाइम हमें कल मिलेगा तो हम कल लाइव जरूर आएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग से बात करने का हमें मौका मिल जाए। अगर नहीं आ पाते हैं तो आप नाराज मत होइएगा। देखिए पंकज जी, शिवम जी से कह रहे हैं कि आप भी खा लीजिए लड्डू। खाकर ही पछताने से अच्छा है, बिना खाए पछताए बेकार होते हैं। नहीं आप बहुत दूर हैं, कहाँ से डालेंगे? हम लड्डू नहीं खाएंगे, छेना खाएंगे। नहीं भाई, शादी के तो लड्डू ही होते हैं, छेना रसगुल्ला नहीं होते हैं। तो आपको तो लड्डू ही खाना पड़ेगा। ठीक है भाभी जी, नहीं भाभी जी नाराज नहीं होंगे, कल के लिए छूट है आपका। चलिए, आप लोग ने इतना कह दिया कि कल के लिए छूट है, क्योंकि व्रत रहेगा, काम भी रहेगा, सब खाना पीना सब तैयारी करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है? ऑलराउंडर PS 3D। आप कहाँ से हो? हम यूपी से हैं। आप बताइए आप कहाँ से हो और आप कैसे हो? और भाई, आए नए लोग हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। क्या नाम है? ऑलराउंडर नाम नहीं इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा था? PS 3D। देखिए पंकज जी कह रहे हैं कि हम छेना नहीं खाते हैं। लड्डू शुभ होता है, देखिए बता रहे हैं लड्डू शुभ होता है। शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वे भी पछताए। पंकज भैया, आप भी तो लड्डू खाए बैठे हैं, क्या हुआ? देखा क्या हुआ? हम चैन आए खाने दीजिए, चैन से खाने दीजिए। हाँ सही है, उनको तो बस यही लगता होगा कि औरतें आ जाती हैं तो समझे वो जिंदगी जहन्नुम बना देती हैं। कहाँ के वो सही थोड़ा। अच्छा
वेट बंगाल से है आप? क्या पंकज जी कह रहे हैं? वेस्ट बंगाल से है आप? मैं देवी से हूँ, डब्ल्यू बी। मैं डब्ल्यू से हूँ और एंड आई एम ऑलवेज फाइन। और जो लोग भाई आते हो लाइक कर दिया करो। ममता बनर्जी के पड़ोसी हैं ऑलराउंडर भैया। ऑलराउंडर ममता जी के बनर्जी जी के पड़ोसी हैं, आपको कैसे पता? तब तो भैया ये बहुत बड़े आदमी हैं। हम लोग के भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, हमारे वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए। अभी नहीं कहाँ खा रहा था अंकल भैया, सोच रहा हूँ। पंकज भैया और शिवम जी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, हमने किया लाइक। आपकी बातें मुझे बहुत पसंद लगती हैं। पंकज भैया किससे, पंकज जी किससे कह रहे हैं? शिवम जी से कह रहे हैं या हमसे कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल से हैं भैया। भाई लोग अनीता मैम को लोग करो भाई लोग। देखिए पंकज भैया कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, तो सभी लोग हमारा सपोर्ट करिए ताकि वीडियो और वीडियो को शेयर कर दिए। ये बहुत मेहनत करती हैं। थैंक यू पंकज जी। देखिए पंकज जी बहुत देखते हैं हमारे वीडियो, हर वीडियो को देखते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाभी जी बहुत मेहनत करती हैं, इनका साथ दीजिए। भाभी जी नींद आ रही है आपको लगता है? हाँ अभी नहीं आ रही है क्योंकि आप लोग बात कर रहे हैं, हमें आप लोग की बातें बहुत अच्छी लगती हैं इसलिए सुन रहे हैं। आप पंकज भैया से ना, पंकज जी से ना, और शिवम जी की चैटिंग चल रही, बढ़िया बातें कर रहे हैं, वही हम देख रहे थे। सब बॉय
हेलो सुरजीत जी, आप किधर का हो? सुरजीत जी लाइक कर दीजिए, और हम आपको बता रहे हैं हम यूपी के हैं। आपका हाँ, हमारे इंस्टाग्राम में आईडी है, यही नाम पर है। जिस नाम पे हम वीडियो बनाते हैं, कल किसका फास्ट है? कल हमारा फास्ट है, हम व्रत रहेंगे। हम अपने बिट्टो के पापा के लिए बहुत मस्त, थैंक यू सुरजीत जी, बात करेंगे, मैसेज करेंगे तो। पंकज भैया, कल आप भी व्रत रखोगे ना? हम भी देखते हैं वीडियो भाभी जी के। सुरजीत जी लाइक कर दीजिए, इंस्टा में मैसेज करेंगे, रिप्लाई देना। ठीक है, देखिए हम रिप्लाई दे नहीं पाते हैं, कोशिश करेंगे कि रिप्लाई आपको दे पाए। देखिए सीखेंगे, हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। हाँ भैया, मैं भैया हम रहे हम पति होता, हम असली पति होता है। आपका फोन भी जवाब देने वाला होगा, आप तो नेट खत्म होने वाला होगा आपका। हाँ हाँ शिवम जी, हमारा नेट खत्म होने वाला है, क्योंकि 10 ही % बचा था, वो पता नहीं रहे या ना रहे भाई। भाई जियो पति तो पति हो तो पंकज भैया जैसा आपने। हाँ सच कहा पंकज जी, बहुत अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सभी को भैया ऐसा ही पति मिले, प्यार करने वाला। बहुत कम मिलते हैं जो अपनी बीवी से प्यार करते हैं। और भैया हमारे भी पतिदेव बहुत हमसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और देखिए इसीलिए हमारी मैनी धीरे धीरे रंगला रही है, देखिए। हाँ मैम कैसे हो? हम ठीक है पंकज जी, आप बताइए आप कैसे हो? सुजी भैया आप भी व्रत हो कल? ये कुछ नहीं, मैली है। ये कुछ नहीं, मैली और असली होगी। और बताइए पंकज भैया, आप मशीन चला रहे थे, आपका काम हो गया, खत्म हो गया?
चलिए भाई, सभी लोग को हम गुड नाइट बोलते हैं। अब जा रहे हैं, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय पंकज भैया। ठीक है, हम भी कल मिलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और हमें नींद भी आ रही है, क्योंकि कल सुबह हमें व्रत में रहना है, काम भी करना पड़ेगा। हमारी बिट्टू हमारी स्कूल भी जाती हैं, और फिर आपसे कल मुलाकात करते हैं, क्योंकि अब तो आप लोग हमारे परिवार जैसे हो गए हैं। कहते नहीं, परिवार का अगर कोई सदस्य इधर उधर हो जाता है या मतलब मिस हो जाता है, तो इंसान उसको बहुत याद करता है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल हमारी फैमिली के तरीके हो गए हैं। इसलिए हम कल आपसे मुलाकात करते हैं, फिर मिलेंगे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि। पंकज भैया मेहंदी लगवाने जा रहे हैं, हो लगता है आप। चलिए शिवम जी, हाँ वो मेहंदी लगवाने शायद जा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिएगा। कोई ना कोई तो होगा आपका जिसके लिए आप रखना चाहते होंगे, या फिर वो आपके लिए रखे वो आप चाहते होंगे। इसीलिए थोड़ा टाइम निकाल के ना आ जाया करिए जल्दी से। अच्छी बात है, भाभी जी भैया जी आपको प्यार करते हैं। हाँ भैया जी आपके बहुत हमसे प्यार करते हैं, एक तरफ से समझ लीजिए हम लोग की पसंद से ही शादी हुई है। ऐसे ही आप दोनों का प्यार बना रहे। थैंक यू शिवम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपकी बातों से सोना हीरा। भाभी जी नमस्ते नमस्ते। बहुत लेट कर देते हैं सोना हीरा जी, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश किया करिए। हमें तो लगा कि आप लोग आप भूल ही गए हैं भाभी और भैया जी को। हमारी देखिए बिट्टो भी बहुत पूछती हैं कि चाचू नहीं आते हैं, पर चाचू को काम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वो क्या आएंगे। और थोड़ा लगता हम लोग से नाराज़ भी हैं, इसीलिए इस समय कोई वीडियो नहीं देखते हैं, ना ही कोई कमेंट करते हैं और ना ही शेयर कर रहे हैं। ऐसी भी नाराज़गी क्या हुई जो आप उन्हें बाहर देखते हैं। हमारे लिए करवा चौथ आधा किलो रख लीजिए, तौल के नहीं रखा जाता है। छाप कह रहे हैं कि तौल के आधा किलो रख लें। जब आपकी आ जाएंगी। बाय भाभी। आई स्वीट ड्रीम शिवम जी। नाराज़ नहीं होते हैं, पर इस समय नाराज़ है, इसीलिए आप हमारे वीडियो देखते हैं, देखते भी नहीं हैं, ना ही कमेंट कर रहे हैं। भैया के लिए मत तौलिए, लेकिन हमारे लिए आधा किलो तौलिए। मजाक कर रहा था भाभी जी, सॉरी। कोई बात नहीं है, आपकी बातों का हमें बुरा नहीं लगता है, अपनों का कोई बुरा मत है। और बताइए, और सब ठीक है? काफी दिन बाद आप आए, आप कैसे हो?
आप लोग से नाराज होकर हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरा आईएएस बेटा कहाँ है? आपका आईएएस बेटा सो गया है। आप काफ़ी लेट कर देते, खाना खाया कि नहीं? हाँ, उसने खाना खा लिया है, खाकर सोई है। हम लोग भी खाना खा चुके हैं। बस वो बहुत मिस करती है और पूछती है, मम्मी अब चाचू नहीं आते? हमने कहा नहीं आते हैं, नहीं तो वो तो आपसे बात करने के लिए बैठी ही रहती है। आज उसे हम जल्दी सुला दिए क्योंकि सुबह स्कूल जाती है और सुबह उठ नहीं पाती है टाइम पर। आजकल ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा है होती है जी। हाँ, हम समझ रहे थे कि आपका काम ज़्यादा हो रहा है इसीलिए आप लाइफ में नहीं आ पाते हैं और इस समय वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं जिससे कि आप कमेंट कर पाएँ। भैया को चरण स्पर्श हो बोल दीजिए। ठीक है, हम आपके भैया को बोल देंगे। आने वाले हैं आपके भैया, उन्हीं के लिए गेट खोलने के लिए बाहर खड़े हैं। फ्रेंड्स, दो दिन और रुकिए, फिर पहले ही तरह फ्री हो जाएंगे। भाई को नमस्कार। वे है सोना हीरा जी, विजय जी। लगा दी प्लीज भाभी जी, ना मत होइए। नहीं, हम नाराज नहीं हैं। और देखिए आप लोग, आप बहुत पूछते हैं भैया जी कहाँ हैं, भैया जी कहाँ हैं। देखिए आ गए भैया जी। कहाँ हैं भैया जी? हाँ, हो टांग दो। अब बस आ रहे हैं, गेट में ताला लगा रहे हैं क्योंकि गेट की पूरी जिम्मेदारी हम ही लोग पर है। सबसे लेट आते हैं इसलिए। कितने दिन हो गया आपको लाइफ में देखे? लो भैया जी आ गए, देखिए हेलमेट लगाए हुए हैं। भाई लो करवा चौथ की राम राम। पहले भैया को खाना दीजिए। भैया खाना आपके खाकर जाते हैं इसीलिए वो खा लेंगे। भाई लोग, आप लोगों ने खाया कि नहीं खाया? देखिए कितना टाइम हो रहा है, टाइम बज रहा है रात के 12। अब समझ लो हम ड्यूटी से आए हैं, हम सोएंगे और कल फिर दौड़ के जाना है। आप लोग दिन भी ड्यूटी करते होंगे, मेरे लोग तो नाइट ड्यूटी चला करती है। देखो इनके लगाते हैं हेलमेट। हमारे मन लगाई। और भैया जी आपके चरण कहाँ आए? नीचे है भैया। देखो भाई, इनको हेलमेट लगा। आई ये कब का? अच्छी लग रही है। चरण स्पर्श करना है
भाई लोग खुश रहो भाई, जब लग गंगा जी में पानी रहे तब लग आप लोग मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, बस करो। देखो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इतना हल्का है भारी है भारी है ओ भारी भैया जी 10:45 को आया हूँ, वो 10:45 पे आए, 10:45 नहीं 11:45 पे आए होंगे, काफ़ी देर हो गई ना, तो 12 बज रहा है ना, 12 हाँ भाई 23:55 तो पानी पी लीजिए, हाँ खाना बनाना फिर खाए, ऐसे ही पिए, गिलास ही रखो ना, कहाँ चले गए, नहीं खुला है, ताला नहीं लगा हुआ, देखिए वो हमसे कह रहे हैं पानी पी लीजिए फिर लाइफ में आया, चलिए अच्छी बात है, वो हमसे पानी डाल, पानी डाल रहा ऊपर पे, बस करो आपसे कल मुलाकात करते हैं, बस यार हमने पी लीजिए, नहीं भाई काम इस समय ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि दीपावली आ रही है, बहुत काम हो जाता है, ये हमारे यहाँ तो इतने बजे रेगुलर आते हैं, रोज आते हैं, यही समय आते हैं, अब सोच सकते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी हमारे साथ वीडियो बनवा टाइम निकाल के बना देते हैं वीडियो हमारे, ताकि हम लोग आप लोग के लिए डाल सकें, भाभी जी मैं एक गिलास पानी रखा हूँ ठीक है पी लीजिए आप भी, आपने क्या व्रत रखा है, भेज दूँ क्या, नहीं नहीं ना भेजिए आप, हमारे बिट्टू पापा ने हमें पानी दे दिया है, टाइम भी हो गया, आप नहीं पी सकते हैं हम पानी, लगा दीजिए, वो रखो ये ताला चाबी बक्सा पे कहा या फिर अलमारी में जरूर, चलिए फिर मैं किसके लिए उपवास रखूं, चलिए इस साल ना रखिए, कोई तो होगा जो आपके लिए रखेगा, आप परेशान मत होइए, परेशान से परेशानी समझो कुछ भी नहीं देती है, सब कुछ छीन लेती है, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए खुश रहिए, ओके, बाय बाय, चलिए ठीक है टाइम बहुत हो गया, आप भी सो जाइए, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, और भाई रोज लाइफ आया करो, इतना भी नाराज मत होइए अपनी भैया भाभी से कि लाइफ आना ही बंद कर दिया है, अब वीडियो देखा करिए, शेयर कर दिया करिए, आप लोग ने बताओ यहाँ तक साथ दिया उसके बाद साथ छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा मत किया करिए, ठीक है बाय बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, देखो कैसा मोबाइल रखते हैं इनके लिए, मोबाइल हमने इनको मोबाइल अच्छा रखते हैं, हमारे पास मोबाइल कैसा है दिखा दो, ये हमारे बेटे के पापा का फोन है, ये भाई हमारा मोबाइल है, इनको हमने मोबाइल अच्छा दिया, इन्होंने कहा आपको मोबाइल दे दो, हम ये छोटा सा फोन रखते हैं बस,
चलिए ठीक है, अब कल मिलते हैं फिर आपको और बहुत सारी बातें बताएंगे कल। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।